सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। आ गई खुशखबरी, यहाँ काफी सस्ते हो गए टमाटर के दाम। दाम कम होने से मंडियों में बड़ी सप्लाई, जानिए क्या है रेट टमाटर का। नासिक जिले की 3 मंडियों में टमाटर की थोक कीमतों में केवल एक दिन में 650 रुपए प्रति क्रेट तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मतलब एक टोकरे में 20 किलोग्राम टमाटर होता है और प्रत्येक की कीमत बुधवार को 1750 रुपए से गिरकर गुरुवार को 1100 रुपए पहुंच गई। इससे मुंबई के खुदरा बाजारों में टमाटर का रेट 160 से 200 रुपए प्रति किलो पर बना हुआ है। लोगों ने खाना तक छोड़ दिया है, सभी को सस्ते होने का इंतजार है। ऐसे में आर्थिक राजधानी मुंबई से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जल्द ही मुंबई वालों के लिए सस्ता टमाटर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल नासिक जिले की 3 मंडियों में टमाटर की थोक कीमतों में केवल एक दिन में 650 रुपए प्रति कैरेट तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मतलब एक टोकरे में 20 किलोग्राम टमाटर होता है और प्रत्येक की कीमत बुधवार को 1750 रुपए से गिरकर गुरुवार को 1100 रुपए पहुंच गई। इससे मुंबई के खुदरा बाजारों में टमाटर का रेट 160 से 200 रुपए प्रति किलो पर बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।